इंदौर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति रेणु जैन को लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, साथ ही कुलपति के रवैये को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोमवार की शाम को विश्वविद्यालय प्रोफेसरों के प्रतिनिधि मंडल का एक दल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचा, जहां करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत रुके हुए प्रमोशन करने, पेंशन, आवास संबंधी समस्या और ऑनलाइन शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर प्रोफेसरों के प्रतिनिधि मंडल ने कुलपति रेणु जैन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग रखी। इस दौरान प्रोफेसरों ने फैसले लेने में हो रही देरी पर कुलपति के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की। सर, हमारी पुरानी जो मांगे हैं उनको लेकर के माननीय कुलपति से पूर्व परमिशन लेकर के आज उनके पास आए थे। उन्होंने हमें बुलाया था आज 3 बजे, तो हम हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ में आए थे। हमारी मुख्य रूप से मांगे करियर एडवांसमेंट के प्रमोशंस, हमारे शिक्षकों के और जो जुड़े हुए हित हैं उनकी बात, बंद लिफाफों को खोलने के बाद में उनके आदेश ना निकालना, और शिक्षकों के आवास गृह जैसी कुछ बातें थी जिनका कि हमको स्पष्ट और अविलंब निराकरण चाहिए था। इस प्रक्रिया में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सारी प्रक्रियाएं नियमों के तहत संचालित और संपादित की जाएंगी, लेकिन हमारी मंशा है कि स्वविवेक का इस्तेमाल होना चाहिए, अपने दम पर, अपने बलबूते पर निर्णय लेकर के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, तभी तो एक सक्षम और समर्थ नेतृत्व को हम समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ऐसी हम आशा के साथ में आपके सामने खड़े हैं। सर, जब ये हमारे विश्वविद्यालय में आई थी, हमने सोचा था कि ये आए हैं तो बाहर आएगी, लेकिन यह नहीं पता था कि फूलों में ही ठन जाएगी। साथियों को मैंने समझाया कि बहुत अच्छा माहौल है, हम सब लोगों के रुके हुए प्रमोशंस मिलेंगे। इन्होंने आश्वासन भी दिया, पहले 3 महीने का समय मांगा, फिर 3.5 महीने का समय मांगा, फिर कहा कि 5 सितंबर निकल जाने दो, लेकिन सिर्फ आश्वासन आश्वासन और सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे, उसके आगे मामला बढ़ ही नहीं पाया। फिर मजबूर होकर के आज हमें अंतिम रूप से उनको विनम्र निवेदन करना पड़ा है कि कृपया अब तो जाग जाइए, जब आपके पास में समस्त शक्तियाँ थी तब आप कुछ नहीं कर पाए, तो लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाएं कि आगे के आने वाले समय में आपको फिर से बागडोर मिले तो हम गौरवान्वित महसूस करें। मैं डॉक्टर लक्ष्मण शिंदे, अध्यक्ष देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षक संघ इंदौर। डॉक्टर पी एन मिश्र, कार्यकारिणी सदस्य देवी अहिल्या विश्वविद्यालय शिक्षक संघ। मैं अपने अध्यक्ष की अनुमति से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और उनके द्वारा आदेशित होकर के भी। हम लोगों की दीर्घकालीन लंबित मांगे हैं, जिसमें पहली मांग यह है स्टिग्नेशन। बड़ी संख्या में लोगों का प्रमोशन नहीं हुआ है और अभी तक, जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष ने कहा कि ये हो जाए तब आपका काम होगा, वो हो जाए तब आपका काम होगा, ये हो जाए तब आपका काम होगा, तो आज हम लोग प्रशासन से बात करने आए थे कि आखिरकार इस कामों की शुरुआत होगी या नहीं होगी। हम लोग कुछ दिन विचार करेंगे, अगर प्रगति होती है माननीय कुलपति का सम्मान करने हम आएंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि संवेदनशीलता पूर्वक उन्होंने हम लोगों की बात सुनी, और अगर नहीं होता है तो अत्यंत शालीनता पूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से जो भी हमारे मार्ग हैं हम उस मार्ग पर चलेंगे। हमारे हितों की रक्षा होनी चाहिए, हमारे सर्विसेज का सम्मान होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। वहीं इस मामले में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर रेणु जैन का कहना है कि फैसले लेने में उनकी तरफ से नहीं बल्कि राजभवन की तरफ से ही देरी हो रही है। उनके बहुत सारे पॉइंट्स थे, एक तो मेनली उनका कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का था कि जो रुके हुए प्रमोशन है वो किए जाएँ, एक पेंशन से संबंधित था, PF कितना काटा जा रहा है उससे संबंधित कोई पॉइंट था, एक आवास संबंधी समस्या के लिए भी था, और एक पॉइंट था जिसमें ऑनलाइन शैक्षणिक व्यवस्था के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इसी तरह के संबंधित पॉइंट्स थे। मैम, प्रोफेसर्स ने अपनी बात में एक बात और भी कही है कि फैसले लेने में काफ़ी देरी हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, फैसले लेने में जो भी देर हो रही है वो हमारी तरफ से नहीं है, ये तो सारे पुराने मामले थे, काफ़ी पुराने, 2 साल पहले के अपॉइंटमेंट के लिफाफे वगैरह नहीं खुले थे। हम तो अपनी तरफ से हमने यही निर्णय लिया था कि उन सबको हम फ्रेशली दोबारा इंटरव्यूज़ करा लेंगे, इंटरव्यू या स्क्रीनिंग जो भी होगा, जिसका भी जो केस है वो दोबारा कराने का हमारा विचार था,
और इसके संबंध में राजभवन में बात चल रही है, हम लोगों ने पत्र लिखे हुए हैं, जैसे ही उनकी तरफ से हमको ग्रीन सिग्नल मिलेगा हम सभी अरेंज करवाएंगे। कुल मिलाकर अब देखना होगा कि आखिर इन प्रोफेसरों की मांग कब तक पूरी होती है। इंदौर से शकील सिकंदर की रिपोर्ट।